हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल. आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर. गाइस, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें. तो आज इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 14.2 का क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन इज द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज. तो 200 फैमिलीज है, उनका यहाँ पे क्या हुआ है, हमें एक्सपेंडिचर मंथली उनका महीने का कितना खर्चा है घर का, उस वो हमें यहाँ पे गिवन है 200 फैमिलीज का. फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन मंथली एक्सपेंडिचर. मतलब हमें उस फैमिली का, ये जो हमारी फैमिलीज है, ये जो हमारा डेटा है, उसका हमें मंथली एक्सपेंडिचर का मोड भी फाइंड करना है और हमें यहाँ पे मीन भी फाइंड करना है. तो हम यहाँ पे दोनों फाइंड करेंगे इस डेटा से. तो सबसे पहले हम इस डेटा से मोड फाइंड कर लेते हैं. तो मोड फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए और हमें उसमें मॉडल क्लास कौन सी है वो पता होना चाहिए. तो अगर हम इस डेटा को देखते हैं तो हमारी मॉडल क्लास वो होती है जिसकी फ्रिक्वेंसी यहाँ सबसे ज्यादा होती है. तो आप यहाँ देखो, ये हमारी फ्रिक्वेंसी है, नंबर ऑफ फैमिली जो है, जब भी हमारा ये डेटा जो इंटरवल में गिवन होगा, ये हमारी फ्रिक्वेंसी नहीं होती है, ये हमारी फ्रिक्वेंसी होती है कि इस कैटेगरी में कितने फैमिलीज आ रही. तो इस कैटेगरी में 1000 से लेके 1500 जिनका खर्चा है वो 24 फैमिलीज है. तो 24 फैमिलीज इस कैटेगरी में आ रही, तो ये हमारी क्या हो गई यहाँ पे फ्रीक्वेंसी. तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कौन सी है, 40. तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो गई, मॉडल क्लास हो गई ये पूरी. इस तरह से आपको सबसे पहले एक मॉडल क्लास देख लेना है कि कौन सी मॉडल क्लास है, और इस तरह से उस पर ऐसे ब्लॉक बना लेना है. तो सबसे पहले ये हम इसका रीजन लिख लेते हैं कि ये हमारी मॉडल क्लास क्यों है. तो द क्लास 1500 टू 2000 हैज द मैक्सिमम, हैज द मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी. देयरफॉर दिस इज द मॉडल क्लास. इसीलिए ये हमारी क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी. आपको भी एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही आंसर लिखना है. फिर हमारा मोड फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है. मोड का सबसे इजी है कि हमें सिर्फ जो डेटा गिवन है उसका सीधे से आंसर लिख लेना है, हमें यहाँ पे और कोई भी टेबल कैलकुलेट करने के लिए नहीं बनानी है. तो मोड का हमारा फॉर्मूला होता है एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो डिवाइड बाय टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच होता है. ओके, अब हमें यहाँ पे पूरी कंप्लीट डेफिनेशन लिखनी है. हमारा एल क्या है, तो फर्स्ट हमारा एल जो होता है वो होता है लोअर लिमिट ऑफ, लोअर लिमिट होती है हमारी किसकी, मॉडल क्लास की. तो मॉडल क्लास हमने अभी लिखी ये, तो इसमें हमारा एल कितना हो जाएगा 1500, क्योंकि ये हमारी लोअर लिमिट है और ये हमारी अपर लिमिट है. जो बड़ा है वो अपर लिमिट है और जो स्मॉल है वो लोअर लिमिट है. फिर उसके बाद हमारा एच, एच यहाँ पे हमारी क्या होता है, जैसे कि हमने मीन में भी देखा था, ये हमारा क्लास का साइज होता है. तो ये हम कैसे फाइंड करते हैं, ये हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. तो कोई भी एक लिमिट ले लो इसमें से, किसी का भी किसी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. हम फर्स्ट वाला ले लेते हैं, तो 1500 माइनस 1000, तो ये हमारा कितना आ गया यहाँ पे 500. ओके, फिर हमारा F1 जो होता है हमारा मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है. ये हमारा F1 होता है, इससे जो आफ्टर और बिफोर लेना है, जो इससे पहले वाली वो हमारी F0 होगी और जो इसके आफ्टर है वो हमारी क्या होगी F2. जो हमारी बिफोर है, इससे जो पहले वाली है वो F0 होगी और जो बाद वाली है वो F2 होगी. तो अब ये ऑड होल नंबर याद रख लो, 0, 1, 2 होगा. इससे ऊपर वाली 0 होगी और इससे बाद वाली F2 होगी. ओके, तो ये हमारी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. तो ये आपको सारे एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन आता है तो ये आपको सारी डेफिनेशन लिखनी है. तो फ्रीक्वेंसी कितनी हमारी मॉडल क्लास की, 40. फिर हमारा F0 कितना है, तो ये हमारा है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास बिफोर मॉडल क्लास, मॉडल क्लास से पहले वाली. तो वो हमारी कितनी हो जाएगी, मॉडल क्लास से पहले वाली कितनी है, 24. और जो हमारा F2 है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास आफ्टर मॉडल क्लास, तो वो हमारी कितनी है, 33. सारी वैल्यू हमने लिख लिया, अब आप इसमें पुट कर लो. तो मोड हमारा हो जाएगा L. L हमारा कितना था यहाँ पे, 1500 प्लस F1 माइनस F0, तो 40 माइनस कितना हो जाएगा, 24. फिर 2F1 तो 2 इंटू 40 माइनस F0 माइनस F2, तो F0 हमारा 24 हो गया और F2 हमारा 33 हो गया इंटू H. H हमारा यहाँ पे कितना था, 500, जो क्लास का साइज है ना. उसको सॉल्व कर लेते हैं,
तो ये हमारा हो गया 1500 प्लस 40 माइनस 24 हमारा 16 हो जाएगा, 14 टू 2 हमारा 80 हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का गया क्योंकि दोनों नेगेटिव है, तो 24 प्लस 33 हमारा 3 प्लस 4 7 और 3 प्लस 2 हमारा क्या हो गया 5 इंटू 500 हो गया, तो ये हमारा हो गया 1500 प्लस 16, 80 में से 57 सब्ट्रैक्ट किया तो ये हमारा आएगा 23 इंटू 500 हो गया। तो यहाँ पे बाकी का हम इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो जब हम इस पूरे को 16 इंटू 500 करके उसको सॉल्व करेंगे ये हमारा 8000 हो जाएगा डिवाइड बाय 23 हो जाएगा, तो उसको डिवाइड करने पे हमारा आएगा 1500 प्लस 347.83। इस रेशियो को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आंसर आएगा, तो ये हमारा दिस इम्प्लाइज मोड हमारा यहाँ से इसको ऐड करके कितना हो जाएगा 1847.83, और ये हमारा क्या एक्सपेंडिचर है खर्चा है उसका तो ये रुपीज आएगा। तो मोड हमारा कितना आया कि यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी का जो डेटा है उसका मोड हमारा कितना है 1847 पॉइंट, इस पूरे डेटा का मोड हमारा कितना है 1847.83 रुपीज। ना हम यहाँ पे क्या करते हैं इसी डेटा का हमें मीन भी फाइंड करना है तो हम इसका मीन भी फाइंड कर लेते हैं। तो मीन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्लास की साइज पता होनी चाहिए जो हम एक्स आई लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास एफ तो है और हमें एक्स भी उसमें चाहिए होता है, तो सबसे पहले हम क्लास साइज यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो क्लास साइज जिसको हम एक्स आई लिखते हैं तो वो हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो हमारा एक्स आई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। तो फर्स्ट के लिए जो हमने लिखा डेटा है हमारा उसमें फर्स्ट लिमिट जो है उसमें अपर लिमिट हमारी है 1500, लोअर लिमिट है हमारी 1000 डिवाइड बाय 2, तो ये हमारा होगा 2500 डिवाइड बाय 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1250 आ जाएगा, और तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट आ गया 1250। अभी मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आप चलो पहले चेक करो सब में 500 500 का डिफरेंस है, 500 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है, 500 ऐड करने पे नेक्स्ट नंबर आ रहा है, तो एच हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया था 500 आ रहा है, तो सबका डिफरेंस सेम है तो इंटरवल सेम है, तो अब आप यहाँ पे क्या करो 500 को ऐड करते रहो आपके नेक्स्ट नंबर मिलते जाएंगे। बार 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 हम इसको ऐड करके ये फॉर्मूला लगा के नहीं सॉल्व करेंगे, सेम है तो बार बार इसको ऐड करके सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा शॉर्टकट मेथड है। तो 1200 1250 में 500 ऐड किया तो ये हमारा 1750 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट इसमें अगेन 500 ऐड किया तो 2250 हो जाएगा, अगेन हमने 500 ऐड किया तो 2750 हो जाएगा, नेक्स्ट हमारा 3250 हो जाएगा, और उसके बाद नेक्स्ट हमारा 32 के बाद सॉरी 3750 होगा, उसके बाद हमारा 4250 होगा, और लास्ट हमारा 4750 हो जाएगा। तो ये हमारा हमने यहाँ पे क्लास साइज फाइंड कर लिया। अब यहाँ पे देखो हमारा जो क्लास साइज के जो नंबर है वो बहुत बड़े हैं, इतने बड़े हैं कि हम उसको मल्टीपल करें फिर ऐड करें तो हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस बहुत ज्यादा है, तो हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हम स्टेप डेविएशन मेथड से करते हैं। तो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला हमारा क्या होता है मीन फाइंड करने का, तो बाय हम इसको कर रहे हैं बाय स्टेप डेविएशन मेथड से। ओके, तो स्टेप डिवीजन मेथड से मीन फाइंड करने का फॉर्मूला हमारा होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइड बाय समेशन एफ आई इंटू हमारा होता है एच। तो ए हमारा अज्यूम मीन होगा, एच हमने अभी यहाँ पे मोड फाइंड किया उसमें फाइंड किया जो हमारा 500 आ रहा था, और समेशन एफ आई भी हमें पता है बट हमें यू आई चाहिए, तो यहाँ पे हमारा जो यू आई फाइंड करने का फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाय एच होता है। तो ये तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता रखा है इसका। तो सबसे पहले हमें ए चाहिए, तो ए आप इसमें से देख लो ये कितने यहाँ पे टर्म है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 आएगी सेंटर में, यहाँ पे ऊपर भी 2 ना 8 है तो 3 3 छूटेगी, तो ये आपका यहाँ पे ये दोनों सेंटर में आ रही है, इन दोनों में से आपको कोई भी ले लेना है, तो हम क्या करते हैं इसको ले लेते हैं, ये हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि ये हमारा अज्यूमिन है। तो हेयर हमारा ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए इक्वल टू हमारा हो गया 3250, और एच हमने अभी कैलकुलेट किया था 500, तो ए हो गया एच हो गया, और समेशन एफ आई हमारा यहाँ पे
टोटल कितनी फैमिलीज है, तो यहाँ पे हमें सम नहीं गिवन है, यस यहाँ पे गिवन है हमें 200 फैमिलीज है, 200 फैमिलीज है, तो इन सब का सम भी हमारा कितना आ गया यहाँ पे 200, तो ये भी हमें यहाँ पे गिवन है। अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या फाइंड करना है, समेशन एफ आई यू आई, तो पहले हम यू आई कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो भी मैंने आपको शॉर्टकट मैथड बताया है, हम उसी से करेंगे, एक्स आई माइनस ए डिवाइड बाई एच, तो ये हमारा हो गया। मैंने आपको कहा था कि जो हम अज्यूम मीन लेते हैं उसके आगे वाला नंबर हमारा जीरो हो जाता है, फिर ऊपर में 1 2 3 4 और नीचे 1 2 3, दोनों साइड हमें काउंटिंग नंबर लिखने होते हैं, पर जो अज्यूम हमने किया है मीन, उससे ऊपर वाले नंबर के साथ नेगेटिव साइन आता है, वो क्यों आता है, क्योंकि ये सारे नंबर इस मीन से क्या है, छोटे। तो एक्स आई माइनस ए करोगे तो 1250 माइनस 3250 करोगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, तो इसी तरह से ये चारों हमारे नेगेटिव होंगे। फिर नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एफ आई यू आई, तो एफ आई यू आई में हमें सिर्फ मल्टीपल करना है, तो एफ कितना 24 × 4, तो ये हमारा हो जाएगा -96 हो गया, फिर 40 × 3 तो -120 हो गया, फिर 33 × 2 तो माइनस का 66 हो गया, 28 × -1 तो माइनस का 28 हो गया, फिर 30 × 0 0, 22 × 1 22, 16 × 2 32 और 7 × 3 21 हो गया। ओके अब आप इनको सबको ऐड कर दोगे तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई यू है, तो हम जब इनको ऐड करेंगे तो अब यहाँ देखो 6 + 6 12, 12 + 8, माइनस माइनस को एक साथ ऐड करना है और प्लस प्लस को एक साथ, तो ये 12 + 8 20 का 0 कैरी 2 हो गया, 9 + 2 11 13 और 21 हो रहा है, 21 का 1 कैरी 2 और 2 + 1 3 हो गया, तो ये तो हो गया माइनस का 3 10, और इनका सम हमारा कितना रहा है, ये हमने इनका सम किया, 2 + 2 4 + 1 5 कैरी और 3 + 2 5, 5 + 2 हमारा 75 हो गया, तो माइनस एक माइनस का एक प्लस का तो माइनस होगा, और साइन हमारा माइनस का आएगा क्योंकि 310 बड़ा है, तो ये आएगा माइनस, जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 235 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा समेशन एफ आई यू आई भी हो गया। अब हम इसमें वैल्यू को पुट कर ले, ये हमारा समेशन एफ आई यू आई आया माइनस का 235। नाउ मोड फाइंड कर लेते हैं, सॉरी मीन फाइंड कर लेते हैं, मीन हमारा हो जाएगा ए, तो 3250 प्लस समेशन एफ आई यू आई, तो ये माइनस का 235 डिवाइड बाय समेशन एफ आई, तो 200 × h हमारा कितना हो गया, 500 हो गया, हमारा 00 से 00 हमारा कैंसिल, सिर्फ 2 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं, प्लस माइनस हमारा माइनस हो जाएगा, तो 3250 प्लस माइनस माइनस 235 डिवाइड बाय 2 हो गया, तो 3250 235 में हमने यहाँ पे डिवाइड करना है। अच्छा एक हमारा यहाँ 5 भी तो रह गया, ये भी तो यहाँ मल्टीपल होगा, ओके ये वाला 5 रह गया, ये भी तो मल्टीपल होगा, पहले तो हम मल्टीपल कर लेते हैं, 5 × 5 25 का 5 कैरी 2, 15 + 2 17 का 7 कैरी 1, 5 × 2 10 + 1 11, तो 1175/2 हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3250 इसको आप 2 से डिवाइड करो, 1175 को 2 से डिवाइड किया 5 टाइम 10 17, तो ये 8 टाइम हो गया 16, फिर अगेन 1 तो 5 तो 7 टाइम यहाँ कितना हो गया 14, 1 decimal 0, तो ये हमारा 5 times 10 और ये हो गया 0, तो ये हो गया 587.5 हो गया। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारा आंसर आएगा 2662.5, और एक्सपेंडिचर है इसलिए रुपीज आएगा, तो मीन एक्सपेंडिचर हमारा यहाँ पे कितना हो गया, तो हैंस मीन एक्सपेंडिचर इज 2662.5 रुपीज हो गया, और ये हमारा मोड हो गया जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, इतना रुपीज हो गया। तो आई होप आपको क्वेश्चन के दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आएंगे, मुझे स्टेप डिविजन मेथड यहाँ सबसे इजी लगता है, बिल्कुल कम स्टेप में बिल्कुल ओरली सॉल्व हो जाता है, तो मैं इसी मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ। अब इसमें ये तो वैसे भी हमारा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है अगर आप डायरेक्ट मैथड लेते, अज्यूम मीन मैथड लोगे तब भी हो जाएगा, बट अज्यूम मीन से भी ये वाला मैथड ज्यादा ईजी है, क्योंकि हम यहाँ पे डायरेक्ट अपनी हमें नंबर का पैटर्न याद रखना है, इसलिए और मल्टीपल इजी हो जाता है। तो अब आपको इसमें कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।